नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंस चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ, आज आप लोग जो है इस वीडियो में एक ऐसी जानकारी लेने जा रहे हैं जिसे जानने के बाद अंग्रेजी बहुत ही आसान हो जाने वाली है। दोस्तों, यह वीडियो जो है आपको एक अच्छा लिखने और बोलने वाला बना सकता है अगर आप बहुत ही सावधानी से इसे देखते हैं तो। और मत एक बात मान लीजिए कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ लगातार बने रहें इस वीडियो और आने वाले तमाम वीडियो में। तो चलिए, आज दोस्तों आप जो देख रहे हैं ये है वर्बल नाउन। जी हाँ दोस्तों, वर्बल नाउन यानी कि नाउन, नाउन वर्बल, वर्ब यानी कि वर्ब जैसा नाउन, एक ऐसा नाउन। नाउन क्या है? नाउन संज्ञा है, ठीक है। नाउन का हिंदी क्या होता है? संज्ञा होती है। किसी व्यक्ति वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं या नाउन कहते हैं। अब ये नाउन जो है वर्ब यानी कि वर्ब यानी क्रिया के तरह आपको यहाँ पर दिखेगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आप यहाँ जान लीजिए जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद आप देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स जिसके थ्रू आप जो है मतलब ये समझ पाएंगे, आप इस उस समझ में आपका मतलब एक ऐसा दिमाग में कैसा खुलेगा रास्ता और तरीका जिससे कि आप तरह तरह के सेंटेंस इस पैटर्न में बना सकेंगे। देखिए क्या है, किसी भी क्रिया है ना यानी वर्ब में आईएनजी लगाकर नाउन बनाया जाता है। किसी भी क्रिया में आईएनजी लगाकर नाउन बनाया जाता है, याद रखिएगा इस लाइन को कि किसी भी क्रिया में यानी वर्ब में यानी कि एक्शन वर्ड में आई एन जी लगाकर जो आप कंटिन्यूस प्रेजेंट पास्ट में देखते होंगे टेंस में, तो आई एन जी लगाकर नाउन बनाया जाता है। और इसी तरह के संज्ञा को वर्बल नाउन कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, इसका प्रयोग अंग्रेजी साहित्य में यानी इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ही अधिक होता है। इसका हिंदी अर्थ साधारण क्रिया का रूप होता है, यानी जो जनरल क्रिया होता है उसका ही रूप होता है। जैसे प्ले मीन्स होता है खेलना, अब आई एन जी लगा देते हैं तब भी दोस्तों प्लेइंग हो गया, एक वर्ड हो गया ना, यानी क्रिया के साथ क्रिया में आई एन जी लगाकर नाउन बनाया जाता है, नाउन। तो खेलना भले ही आप वर्ड है हिंदी का वैसे ही आप देख रहे हो, लेकिन ये नाउन वर्ड है, नाउन शब्द है। वॉकिंग है ना, इंग लगा दिया वॉक में तो वॉकिंग है, टहलना। फिर राइटिंग लिखना, थिंकिंग सोचना, और रीडिंग पढ़ना। आप तो समझ गए होंगे, अगर गो रहता तो गोइंग, कम रहता तो कमिंग। तो आप बात तो समझ ही चुके होंगे कि कैसे बनाना है वर्बल नाउन, है ना। तो वर्बल नाउन कैसे बनाना है ये तो आपने देखा। अब जो है एग्जाम्पल्स में समझ जाइएगा कि भाई कैसे। ऐसे मैं पढ़ना चाहता हूँ, देखिए पढ़ना चाहता हूँ तो दो गो बार यहाँ पर हो गया, एक तो मैं चाहता हूँ तो आई वॉन्ट, ठीक है, आई वॉन्ट मीन्स मैं चाहता हूँ, लेकिन पढ़ना दो दो क्रिया हो गया, दो दो है ना, चाहना पढ़ना दो क्रिया हो गया, दो दो वर्ब हो गया रीड और वॉन्ट, ठीक है। तो अब देखिए कि कितना ईजी है पढ़ना, चूँकि पढ़ना मतलब चाहना मीन्स लाइक या वॉन्ट दोनों हो सकता है। तो देखिए आई लाइक रीडिंग, आई लाइक रीडिंग, ये तो एक्शन वर्ड। देखिए यहाँ पर पहले आई जो है वो सब्जेक्ट है, फिर वी जो लाइक है वो वर्ब है, और जो रीडिंग है वो है हमारा वर्बल नाउन। जी हाँ, तो वर्बल नाउन है। तो ये सेंटेंस था आई लाइक रीडिंग, मैं पढ़ना चाहता हूँ, है ना, आई वॉन्ट रीडिंग भी बोल देंगे, मैं पढ़ना चाहता हूँ। इसे हुआ खेलना, खेलना देखिए वो खेलना पसंद करता है, यानी आई लाइक है ना, आई लाइक ही लाइक, तो ही के साथ थर्ड पर्सन रहता था, इस लाइक्स हो गया। खैर आगे चलते हैं, देखिए ही लाइक्स वह पसंद करता है, वह पसंद करता है ही लाइक्स, और खेलना का प्लेइंग, ही लाइक्स प्लेइंग, यानी कि यहाँ पर ही जो है सब्जेक्ट है, भी लाइक जो है लाइक्स जो है वर्ब है, और ये है जो है वर्बल नाउन है, वर्बल नाउन। नेक्स्ट जो है देखिए यहाँ पर क्लीन करते, तो यहाँ देखिए गाना, गाना
एक अच्छी कला है, कला है एकदम सिंपल। अब इसमें आपको गाना शुरू में ही आ गया, आपको यहाँ पर सब्जेक्ट पता भी नहीं चलो, लेकिन सब्जेक्ट ही यही हो जाता है गाना। तो देखिए सिंगिंग क्या है, नाउन है, सिंगिंग, सिंगिंग सिंग में इंग जुड़ गया है तो सिंग मीन्स गाना, सिंगिंग मीन्स गाना एक अच्छी कला है, इज अ गुड आर्ट, इज अ गुड आर्ट, ये वर्ब टू बी का सेंटेंस है, ठीक है। ऊपर वाला सेंटेंस जो है टेंस के, टेंस पेपर बेस्ड था, यानी कि जो है कह सकते हैं समय काल पर, जबकि नीचे वाला जो है सिंपल है ना, अफर्मेटिव, सिंगिंग इज अ गुड आर्ट, सिंग गाना एक अच्छी कला है। नेक्स्ट देखिए हंसना, स्वास्थ्य के लिए हंसना, देखिए हंसना, हंसना, हंसना स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, किसके लिए आवश्यक है, स्वास्थ्य के लिए। तो दोस्तों ये है, यहाँ देखिए हंसना का क्या होगा, हंसना का लाफ, लाफ में इंग जुड़ गया तो ये हो गया वर्बल नाउन है ना। तो लाफिंग इज नेसेसरी फॉर हेल्थ, लाफिंग इज नेसेसरी फॉर हेल्थ, सेंटेंस कितना इजी है। आप अब मैं आपसे बनवाऊंगा ये सेंटेंस कि भाई कैसे बनाते हैं, आप बोलेंगे, आप कमेंट करके लिखेंगे कि हाँ ये होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है संध्या काल, यानी शाम का जो समय होता है, संध्या काल, सांझ, शाम, इवनिंग है ना इंग्लिश में बोलते हैं, संध्या काल का टहलना, संध्या काल का टहलना मस्तिष्क के लिए बहुत के लिए अच्छा होता है। ये बहुत ही दोस्तों ये जो है सही बात है, ये अपने स्तर से मैं कह रहा हूँ कि दिमाग के लिए बहुत ही अच्छा होता है शाम में टहलना। तो खैर देखिए सेंटेंस कैसे बनेगा, संध्या काल का टहलना, तो वॉकिंग इन द इवनिंग, टहलना कहा है, टहलना ही तो हमारा यहाँ पर वर्बल नाउन है। तो वॉकिंग, वॉकिंग इन द इवनिंग इज, इज इन द इवनिंग, यानी संध्या काल में टहलना, यहाँ पर का मतलब में से है, ठीक है। संध्या काल में टहलना इज अ गुड फॉर माइंड, इज यानी वॉकिंग इज, वॉकिंग इन द इवनिंग इज अ गुड फॉर माइंड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सेंटेंस आपको बनाना है, आपसे भी मैं बनवाऊंगा, जैसे पुस्तक का लिखना आसान नहीं है, देखिए पुस्तक लिखना आसान नहीं है, पुस्तक का लिखना आसान है, लिखना यानी राइटिंग है ना। तो द राइटिंग ऑफ बुक, द राइटिंग ऑफ बुक, ये हो गया पुस्तक का लिखना, इज नॉट ईजी, आसान नहीं है, इज नॉट ईजी। नेक्स्ट है बातचीत करना, है ना, बातचीत करना एक हो गया, ये हमारा बातचीत करना, और ये दोस्तों बातचीत करना लाभदायक होता है क्या, तो देखिए टॉकिंग इज, टॉकिंग इज यूजफुल, यूजफुल लाभदायक होता है, होता है का इज होता है, इज, इज मीन्स होता है, ठीक है, इज मीन्स होता है, घबराना नहीं है कि होता है क्या होगा। वह जाने के लिए तैयार है, वह जाने, जाने, जाना, जाना, गोइंग, क्या होगा, ही इज रेडी टू, ही इज रेडी फॉर गोइंग, पहले भी है लास्ट में भी, वह जाने को तैयार, तो ऐसा भी कर सकते थे कि ही इज गोइंग टू, he is reading दिमाग में आता है तो रीडिंग ही हो जाता है, तो he is ready for going। तो next देखिए ये रहा 9 नंबर में, वह लिखने में लगा है, ठीक है, लिखने में, लिखने में लगा है यानी writing, तो क्या हुआ, he is busy, वह लगा है यानी कि वह व्यस्त है, he is busy है ना, तो ही इज बिजी इन राइटिंग, ही इज बिजी इन राइटिंग, लिखना मनुष्य को परफेक्ट बनाता है। तो दोस्तों ये है राइटिंग मेक्स, राइटिंग मेक्स बनाता है, राइटिंग मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइटिंग मेक्स, ये तो हमेशा ये एक तरह से मुहावरे के रूप में प्रयोग भी किया जाता है, राइटिंग मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइटिंग मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब देखिए 11 नंबर में पढ़ना आसान नहीं होता, पढ़ना आसान नहीं होता, पढ़ना ये हमारा वर्बल नाउन है, और देखिए अब आपको बनाना है, आप अच्छा से सही बनाए गलत बनाए, लेकिन दोस्तों बनाए, होता है का क्या होगा, होता है का पिछले सेंटेंस में होता है का इज हो जाएगा, ठीक है इज, और देखिए क्या होगा, आप बनाइए, आप ही को बनाना है क्योंकि ये सर आप ही के लिए छोड़ा जा रहा है,
बहुत सोचना है ना, सोचना सोचना थिंकिंग, बहुत सोचना बहुत खराब है, बहुत सोचना बहुत खराब है। नेक्स्ट देखिए, बहुत सोचना बहुत खराब, 13 नंबर में फुटबॉल खेलना अच्छा है, फुटबॉल खेलना अच्छा। इतना अब सरल सरल तरह से वर्ड जो है मतलब सेंटेंस दिया गया, तो फिर आप क्यों नहीं बना पाएंगे ना। आसान है, पहले हो सकता है गलती हो, लेकिन करिए गलती, क्योंकि अगर मैं बता दूं तो फिर दिक्कत थी, कभी आपके सामने नहीं आए तो कभी ना आप बोल पाएंगे ना अच्छे तरह से लिख पाएंगे। ठीक है, अब एक और देखिए दोस्तों, नंबर 14। जी हाँ, 14। इस सब का आप लिखिए नीचे कमेंट में, अगर देख रहे हैं तो कमेंट में लिखिए दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, बहुत जरूरी है। 14-15 लाइक से क्या होगा, देखने वाले संख्या तो अधिक है। अब देखिए, पत्र लिखना उचित है, उचित है, उचित है, पत्र लिखना उचित है। देखिए नेक्स्ट जो है वर्ड मतलब सेंटेंस देखिए हमारा ये 15 नंबर, मैं राम को शिक्षा का अनुकरण करता हूँ, मैं राम की शिक्षा का अनुकरण करता हूँ, मैं राम की शिक्षा का अनुकरण करता हूँ। तो आप कैसे बनाएंगे इसे, आप सोचे इस बात को, मैं राम की शिक्षा का अनुकरण करता हूँ। चलिए अब दोस्तों देखिए, पहले एक सेंटेंस का पूरा देख, ये वाला पार्ट बहुत जरूरी है आपके लिए, हिंट्स जो है, नहीं तो आपको लगेगा कि भाई क्या हो रहा है। तो इस हिंट्स को देख लीजिए, और एक चीज़ और बात ध्यान रखिए दोस्तों, कि जब एक्टिव वॉइस में डूइंग होता है तो पैसिव वॉइस में बीइंग डन लिखना है, डूइंग का डन हो जाएगा पैसिव में, ये बस सिंपल सा बात है। अब देखिए, जैसे डांसिंग है, डांसिंग का नाचना, स्विमिंग का तैरना यानी तैरना का स्विमिंग, कला का आर्ट, लड़कियां का गर्ल्स, सफल होना पासिंग, परीक्षा एग्जामिनेशन, अनुकरण करना फॉलो, शिक्षा टीचिंग उचित प्रॉपर, पत्र लेटर खराब बैड, ठीक सोचना थिंकिंग, और आसान का इजी। जस्ट उल्टा है, आप देख रहे होंगे इसको हिंट्स के रूप में समझे, जिनको बहुत सारे वर्ड्स की दिक्कत होती है उनके लिए दे दिया गया है। अब चलिए फिर से देखते हैं सेंटेंस और क्या बचा है। तो 16 नंबर में देखिए, 16, वे परीक्षा में सफल होना आसान समझते हैं, सफल होना, ठीक है, सफल होना आसान समझते हैं, यही तो पकड़ना है। ठीक है, अगर पकड़ लेते हैं तभी आप सीख पाएंगे, अदरवाइज दोस्तों कितना भी एक बार वीडियो देखने से कुछ नहीं होने जाने को है। ठीक है, लिखना पढ़ने से ज़्यादा, नहीं कर लीजिए, पढ़ने से ज़्यादा उपयोगी है, लिखना पढ़ने से ज़्यादा उपयोगी है। नेक्स्ट देखिए, ये रहा नेक्स्ट जो हमारा 18 नंबर में, श्यामा का वहाँ जाना यानी कि गोइंग उचित है, श्यामा का वहाँ जाना उचित है। नेक्स्ट देखिए, ये तो लड़कियाँ नाचना, जी हाँ नाचना पसंद करती हैं, सही बात है, लड़कियाँ नाचना पसंद करती, तो नाचना है हमारा वर्बल नाउन को मैं इंडिकेट कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। तैरना एक कला है। तो दोस्तों कुछ सेंटेंस है जिसको आपको यहीं पर कमेंट में लिखना है, सेंटेंस को सही लिखे गलत लिखे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखे जरूर, अगर लिखेंगे तभी आप सीखेंगे पढ़ना लिखना, जी हाँ एक्चुअली लिखना और बोलना सीख जाएंगे सेंटेंस को। ठीक है, तो बहुत जरूरी। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए दोस्तों को धन्यवाद, डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि लेशंस के बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूल्स चल रहे हैं जो कि ग्रामर बेस्ड ही हैं और आपको एक अलग सा अनुभव भी देंगे। धन्यवाद, थैंक्स वॉचिंग।